प्रदेश वासियों के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी हुआ एक नया पूर्वानुमान, जिसमें बताया जा रहा है कि आज भी छत्तीसगढ़ में मिचौंग का रहेगा असर। बस्तर और सरगुजा संभाग में बारिश के हैं आसार। दरअसल चक्रवाती तूफान मिचौंग कमजोर पड़ गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका असर बना हुआ है। आज सुबह से ही रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों पर बादल छाए रहे, जिससे दिन के तापमान में गिरावट है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में प्रदेश के बस्तर संभाग के जिले और उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश की बौछार पड़ने के आसार भी आज भी हैं। तो वहीं प्रदेश में ज्यादा नमी आने के कारण आज भी बादल छाए रहेंगे, जहां शनिवार दोपहर से आसमान के साफ होने की संभावना है। इसके बाद प्रदेश में ठंड बढ़ने लगेगी। वैसे गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को भी प्रदेश में बादल छाए रहे, दिन में बारिश की हल्की फुहारें पड़ती रही। रायपुर में दिन का तापमान 20.5 डिग्री तक पहुंच गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया। तो वहीं सबसे ज्यादा तापमान जगदलपुर में 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान औसत से 6 से 9 डिग्री कम रहा। बता दें कि रायपुर में अधिकतम तापमान औसत से 9 डिग्री कम था, बिलासपुर में तापमान औसत से 8 डिग्री और पेंड्रा में औसत से 7 डिग्री कम रहा। छत्तीसगढ़ के मौसम के पूर्वानुमान का, तो मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान मिचौंग फिलहाल कमजोर पड़ गया है। एक ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे लगे विदर्भ के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है, जो एक पश्चिमी विक्षोभ चक्री चक्रवाती परिसंचरण के रूप में हरियाणा और उसके आसपास 1.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जो प्रदेश में आज एक दो जगहों पर हल्की बारिश की संभावना बनी है। इसी बीच बताया जा रहा है कि प्रदेश में अधिकतम तापमान में अगले 4 दिनों में 5 से 6 डिग्री बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में इसी अवधि में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है, जहां कल से प्रदेश में बादल छटने की संभावना भी है और सुबह के समय में मध्यम से घना कोहरा भी हो सकती है। तो ये रहा दोस्तों मौसम से जुड़ी कुछ नई जानकारी जो कि हमने आप तक पहुंचा दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सीजी 36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। ओके, मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट में।